तो गाइस वेलकम बैक टू बैक अगेन आवर चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कि आर्मी टेक्निकल के अंदर भाई केमिस्ट्री के अंदर क्या पूछा जाता है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए दो अपडेट है। जो पहला अपडेट है वो दोस्तों यह है कि हम अपने चैनल का नाम डिफेंस टेक्निकल से आर्मी टेक्निकल कर रहे हैं, क्योंकि भाई अपने चैनल पर आर्मी की तैयारी कराई जाती है, आर्मी रिटर्न एग्जाम की। और इसलिए दोस्तों मैं अपने चैनल का नाम आर्मी टेक्निकल रख रहा हूँ, क्योंकि डिफेंस में दोस्तों तीनों चीज़ आ जाती है, एयरफोर्स नेवी भी आ जाती है। तो उसके लिए मैं अपने कोई बेसिकली मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता चीज़ें हो सकती है, लेकिन मतलब पूरा कोर्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने चैनल का नाम डिफेंस टेक्निकल से आर्मी टेक्निकल रख रहा हूँ। नीचे कमेंट करना क्या ठीक किया मैंने, ठीक है दोस्तों। और दूसरा अपडेट ये कि आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस कि भाई आर्मी टेक्निकल के अंदर केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछा जाए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आर्मी टेक्निकल के अंदर केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो 40 नंबर के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे 4 नंबर का होता है। और दोस्तों 10 क्वेश्चन का अगर आप टाइमिंग लगाओ तो मतलब केमिस्ट्री के अंदर तो दोस्तों मुश्किल से आप ये 10 क्वेश्चन मतलब 5 मिनट के अंदर आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी टेक्निकल के अंदर जो केमिस्ट्री आती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेसिक आती है। और आप लोगों को मतलब रिमार्केबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपकी मेमोरी में है वो क्वेश्चन तो आप उसको तुरंत टिक करके कर दोगे, अगर आपकी मेमोरी में नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे उसको। मतलब तुक्का ही लगाओगे, आपको कंफ्यूज होगा कि कौन सा मेरे को करना है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आर्मी टेक्निकल केमिस्ट्री के अंदर। दोस्तों 10 क्वेश्चन आए थे, और मेरे जो जब मैंने एग्जाम दिया था तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, आप लोगों को बताता हूँ। अब जो दोस्तों मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया आर्मी टेक्निकल के मतलब केमिस्ट्री के अंदर, के इतने टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग मतलब इतने टॉपिक आप लोग पढ़ लोगे तो आर्मी का बेसिक है जो सारा क्लियर हो जाएगा। और वहाँ से भी मतलब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग उसका जवाब आसानी से दे दोगे। तो वो टॉपिक दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, तो मैंने बना लिए दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों आवर्तसारणी। आवर्तसारणी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, मतलब तत्व का प्रतीक पूछ लेता है कभी कभी, जैसे तांबे का प्रतीक क्या है, जैसे Cu तांबे का प्रतीक है, और तांबे का परमाणु क्रमांक पूछ लेता है, इतना कितना परमाणु क्रमांक है। तो वो सब जिस क्वेश्चन पूछ लेते हैं आवर्तसारणी से। कभी कभार दोस्तों लेटिन नेम भी पूछा जाता है, जैसे सोडियम का लेटिन नेम क्या है, तो ये सब मतलब पूछे जाते हैं आर्मी टेक्निकल के अंदर। तो दोस्तों ये वाली बुक है, इसके अंदर आप लोगों को ये सभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये सब मिल जाएंगे, और इसका मतलब आपको विस्तृत रूप से पढ़ने को भी मिलेगा इसके अंदर। तो अगर आप लोगों के पास दोस्तों ये बुक नहीं है तो ये बुक खरीद लो, आप इसको पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि आप लोगों को बार बार तो चांस मिलेगा नहीं शायद आर्मी की रिटर्न निकालने का, बहुत कम बंदों को मिलता है। तो आप लोगों को कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। और दोस्तों दूसरी जो टॉपिक अपना वो है दोस्तों पदार्थ। तो पदार्थों के अंदर से दोस्तों बेसिक आप लोग डेफिनेशन पढ़ना पहले कि पदार्थ क्या होते हैं, और पदार्थ और इन तत्वों में इनमें मतलब डिफरेंस वगैरह पूछे जाते हैं दोस्तों। तीसरा टॉपिक अपना वो तत्व यौगिक मिश्रण है, ये भी आप लोगों को बेसिक पढ़ना है, धातु अधातु मिश्र धातु है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब पक्का आता है, धातु अधातु और मिश्र धातु में से दोस्तों हमेशा मिश्र धातु पूछा जाता है कि इसकी मतलब फलानी, जैसे आप लोगों को एक धातु बताता हूँ, जैसे मान लो गन मेटल, जैसे गन मेटल है तो गन मेटल में कौन कौन सी मतलब धातुएं पाई जाती है, और तब जब गन मेटल बनती है तो उस टाइप का क्वेश्चन बनता है आप लोगों को, तो इसके अंदर मिल जाएगा वो भी। दूसरा पांचवा टॉपिक है धातु का निष्कर्षण, ये मतलब बेसिक है, बर्जन निस्थापन ये सब चीजें मतलब आप लोगों को पूछे जाते हैं कि धातु को कैसे निकाला जाता है, और एस क्या है, ऐसे जैसे बेसिक डेफिनेशन आएगी कि एस क्या है, तो आप लोगों को पढ़ के एकदम मतलब रेडी रहना है आप लोगों को जवाब देने के लिए। छठा टॉपिक है दोस्तों परमाणु संरचना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एक आध मतलब 2 क्वेश्चन तो बन सकते हैं यहाँ से, क्योंकि परमाणु के बारे में आपको पूरा सब कुछ पूछा जाएगा। फिर यहाँ से मतलब परमाणु के पूछ लेंगे, परमाणु के अंदर कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परमाणु की संरचना, परमाणु से रिलेटेड जितने भी नियम है वो सब पूछ लेंगे आप लोगों को। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं परमाणु के अंदर रेडियो एक्टिविटी जिसको बोलते हैं अपन, कभी कभार वो पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को इस बुक के अंदर मिल जाएगा। सातवा टॉपिक है रासायनिक बंधन, यहाँ से कोई अभिक्रिया दे देगा आप लोगों को और पूछेगा कि मतलब ये कौन सी मतलब बंधन, इसमें कौन सी टाइप का बंधन हो रहा है, या कोई मॉलिक्यूल दे देगा बोले इसमें कौन सा, जैसे जल की संरचना बनाएंगे बोले कितना एंगल है उसमें, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। आठवां दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब ये यहाँ पे देगा आपको अभिक्रिया और अभिक्रिया का टाइप पूछ लेगा, योगात्मक है, कौन सी अभिक्रिया है इस टाइप का। नवा है अमृतसर लवण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आर्मी टेक्निकली नहीं मतलब यहाँ से बेसिक केमिस्ट्री में मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, और जितने भी एग्जाम है वो यहीं से पूछे जाते हैं। अम्लसार लवण ये सब मतलब बेसिक केमिस्ट्री है, तो जितने भी
और अदर्स एग्जाम्स में जो बेसिक केमिस्ट्री पूछी जाती है वो यही टॉपिक है, यहीं से सब कुछ बनता है। 10वां टॉपिक है वो जल, दोस्तों जल की संरचना पूछ लेगा, ऐसा कुछ पूछ लेगा जल के बारे में, या जल के जो तीन वो क्या बोलते हैं उनको, जल के जो ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटेरियम है, वो तीनों में मतलब जो भी है, मैं भूल गया दोस्तों, अभी माइंड से आउट हो गया, फिसल गई चीजें। 11वां दोस्तों हवा में गैसें, तो हवा और गैसें दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हवा का जैसे मैं बात करूं तो आपको वायुमंडल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, या पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गैसें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गैसें में जैसे भाप, अंगार गैस और काफी सारी गैसें हैं, और भी जो आप लोगों को नोट्स में दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा वो सब, आप लोगों को मतलब ये टॉपिक, आप लोग यहाँ ये टॉपिक जिसमें मैंने पहले जो बताया आप इनको एक साथ नोट कर लो, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन हो सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको दोस्तों ये है टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो दोस्तों गैसों, हवा पे गैसे तो आ गया, 12वां टॉपिक है दोस्तों गैसों के नियम, बॉयल का नियम आता है इसमें, चार्ल्स का नियम आता है, गैस समीकरण आता है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम आता है। 13वां दोस्तों कार्बन के अपर रूप, कार्बन के दोस्तों तीन अपर रूप है, वो आप लोगों को रेडी रखने हैं एकदम, और उनकी संरचना क्या है, किस टाइप का है, कौन कौन से हैं, कार्बन का प्राकृतिक अपर रूप कौन सा, इस टाइप का क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। दोस्तों 14 है खनिज व कोयला, तो जो 14 नंबर का दोस्तों टॉपिक खनिज व कोयला, यहाँ से कोयले के टाइप होते हैं चार दोस्तों, उनमें पूछा जाता है उनमें से दोस्तों नमी किस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, या जो इफिशियंसी है जो किस कौन से वाले कोयले की ज्यादा है, मतलब कौन से सबसे ज्यादा ऊर्जावान है, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों कोयले से पूछा जाता है। 5वां दोस्तों रासायनिक उर्वरक, दोस्तों इसमें यूरिया का फॉर्मूला है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी दोस्तों। कांच है, फिर सीमेंट आता है दोस्तों, सीमेंट में भी जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे कांच है, कांच में पूछा जाएगा फलाने फलाना कांच कैसे बनाया जाता है, पारदर्शी कांच में क्या मिलाया जाता है कि वो पारदर्शी बन जाता है। सीमेंट है दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि सीमेंट को जल्दी से, मतलब वो जब हम सीमेंट को यूज करते हैं दोस्तों, तो हमारी सीमेंट जो भी है वो जल्दी से जल्दी मतलब टाइट हो जाए, जल्दी से जल्दी सेट हो जाए, जम जाए वो, और एकदम मजबूत पकड़ बन जाए, उसके लिए क्या मिलाते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 18वां नंबर का दोस्तों विद्युत रसायन, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को रेडी रखना है थोड़ा बहुत पढ़ के। IUPAC नामकरण है दोस्तों, यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, और कभी कभार नहीं भी बनता, मतलब यही चलता रहता है इस टॉपिक का, तो कंफ्यूजन वाले टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को दोस्तों 21 टॉपिक है जितने भी है ये आप लोगों को पूरे डे रखने हैं दोस्तों। 20वां टॉपिक है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के नाम, दोस्तों कार्बनिक यौगिकों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मतलब जरूर याद रखना है। और 21वां दोस्तों बहुलक, तो बहुलक से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये 21 टॉपिक बता दिए हैं, आप लोगों को यही पढ़ के दोस्तों केमिस्ट्री मतलब आप लोगों की पूरी आप लोगों को तैयारी करनी है। केमिस्ट्री से मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी टेक्निकल के अंदर, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मेरे जो क्वेश्चन आए थे वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे दोस्तों मेरे एक क्वेश्चन आया था कि हास्य गैस कौन सी है, जो लाफिंग गैस है वो कौन सी है, तो आप लोग सभी जानते हो कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी है, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन था दोस्तों केमिस्ट्री का, मेरे को अभी अच्छी तरह याद है, वो है कि रॉकेट के अंदर किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो क्वेश्चन बन गया था एक। और चार पांच और क्वेश्चन थे, मतलब ज्यादा अच्छे मतलब इजी क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, तो वो सब क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे को अभी याद नहीं है, मैंने कॉपी के अंदर लिख रखे हैं, वो आप लोगों को कभी बताऊंगा मेरी जो एग्जाम थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। मेरे को मैथ्स का ज्यादा याद नहीं है लेकिन केमिस्ट्री का पूरा याद है। तो दोस्तों मैंने ये टॉपिक बता दिए हैं, अगला जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, आप लोगों की काफी डिमांड रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि भाई आर्मी के अंदर, आर्मी टेक्निकल के अंदर बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या। दोस्तों बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हमको पढ़ना चाहिए जब आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं अगले टॉपिक के अंदर इस बारे में बात करेंगे आप लोगों को। इसमें भी बता देता हूँ कि बायोलॉजी से दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी कभार दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर ही एक एक क्वेश्चन मुश्किल से ऐड किया जा सकता है जो बायोलॉजी से थोड़ा रिलेटेड हो, लेकिन दोस्तों वो केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है, तो मतलब वो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन होता है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो अगले टॉपिक के अंदर दोस्तों आप लोगों को और अच्छे से बता दूंगा कि क्या बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। आयो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने चैनल का नाम आर्मी टेक्निकल दोस्तों कैसे लगाने चैनल को कमेंट करके बताना। आप लोगों की दोस्तों बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी क्लासेस लूंगा, और आप लोगों के पास दोस्तों ये बुक नहीं है तो भाई खरीद लो, इसके अंदर भी इससे ही मैं क्वेश्चन उठाऊंगा काफी सारे, तो आप लोगों के लिए मतलब पूरा मटेरियल तैयार है वैसे तो मेरे, और भी आप लोगों के लिए उठा के तैयार रख देंगे। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।